नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बांदा के बारे में बहुत सारे जानकारी बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से बांदा का तांत्रिक प्रयोग सिखाने वाला हूँ। तांत्रिक के शब्द आपको गलत नहीं लेना, इसका मतलब है कि आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं इन बांदों से। बांदा किसे बोल सकते हैं? वह वृक्ष जो कि जमीन पर न उगकर के किसी दूसरे पेड़ पौधे पर उगाते हैं। आपने नॉर्मल सी देखा होगा कि पीपल के पेड़ पर बहुत सारे वृक्ष उगाते हैं, तो उसे पीपल वृक्ष का बांदा कर सकते हैं। जो बांदा होती हैं यह अलग अलग नक्षत्रों के अनुसार प्रभाव दिखाता है, और बांदा से आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग इससे होते हैं। तांत्रिक का मतलब आपको इसका गलत निष्कर्ष नहीं लेना। देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति उसमें जाकर के आत्महत्या करता है तो उसमें आत्महत्या करने वाला का गलत है, यानी कि उसका उसमें दोष है। इस प्रकार दोस्तों, मैं आप लोगों को आयुर्वेद की जानकारी सिखाता हूं, प्राचीन तंत्रों की जानकारी सिखाता हूं, ताकि आप उसे समझे और समाज हित में इसका प्रयोग करे। अगर कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करते तो इसमें हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं। जो दुरुपयोग करता है इसमें उसका जिम्मेदारी, उसका गलती है। हम आप सभी मित्रों की जिज्ञासा शांत करने के लिए जानकारी बताते हैं। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल में अच्छे अच्छे जानकारी, फ्री में प्राचीन ग्रंथों की जानकारी, प्राचीन जो उपाय हैं वो सारे जानकारी सिखाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बरगद वृक्ष के बांदा के बारे में बताऊंगा। वृक्ष शिरा है, गोखरू है, और इमली के बांदा है, और स्वाति नक्षत्र में जो नीम का बांदा होता है इसे लाने पर क्या प्रभाव मिलते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं बरगद का बांदा। तो प्राचीन तंत्रों में ये लिखा गया है कि बरगद का बांदा धारण करने से लोगों पर वशीकरण का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, इसके बांदा को हाथ में धारण करने से किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इसका दुरुपयोग समाज में कभी भी नहीं करना, सदुपयोग के लिए इसका प्रयोग करना है। इसके बाद मृग शिरा नक्षत्र में बेल का बांदा पान में रख करके खाने से साधक को अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त होता है। इसका भी कभी भी समाज में दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जानकारी बढ़ाने के लिए यह जानकारी आप सभी मित्रों को बता रहा हूं, ताकि आपकी जिज्ञासा शांत हो। इसके बाद गोखरू, आम और सिंगोर, ये तीनों की जो बांदा होती है ला करके नमक और दूध में मिला करके पीस ले, और इसका लेप का अगर तिलक लगाया जाए तो अज्ञात जो गुप्त धन होते हैं, जो कि हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते, वह धन भी दिखाई देने लगते हैं। पुष्य नक्षत्र में इमली का बांदा ला करके विधिवत पूजा करें और इसे अपने हाथों में धारण करें तो इसे शीघ्र धन प्राप्ति होती है। एक निर्धन व्यक्ति भी इस बांदे से धनवान बन सकता है, और यह गुप्त प्रयोग अपनाते समय किसी को नहीं बताना चाहिए, यह शीघ्र प्रभाव दिखाता है। स्वाति नक्षत्र में नीम का बांदा ला करके देवी देवता की तरह पूजा करने पर अदृश्यकरण की शक्ति प्रदान करता है, और इसे हाथ में धारण करने से सभी प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों, मेरे वीडियो में बताए गए थोड़ी सी जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। प्राचीन ज्ञान में अगर आप भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। हमारे चैनल में अच्छी अच्छी जानकारी फ्री में सिखाई जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।